नमस्कार, मैं हूं शेख इमरान। आप देख रहे हैं द न्यूज़ नेटवर्क। आइए आज आपको दिखाते हैं कि किस तरह अवैध तरीके से पत्थर खदान चलाने वाले लोग अपनी दबंगई दिखाकर किस तरह शासन प्रशासन को एक बड़ा चुनौती दे रहे हैं और किस तरह ग्रामीण को डरा धमका कर अपने काले कारोबार को चला रहे हैं। देखिए इस खास रिपोर्ट में। लाएंगे और जान से भी मार दूंगा और खदान में दबा दूंगा, ऐसा करके भी बोल रहे हैं इसके खिलाफ। मामला फिंगेश्वर थाना क्षेत्र के ग्राम बासिन का है। देवेंद्र कुमार साहू ने बताया कि वह सुबह अपने खेत गया था और जब वहां से वापस लौट रहा था तो उसने देखा कि गोपचंद बनर्जी के पत्थर फैक्ट्री के सामने सील हुआ पत्थर फैक्ट्री में कुछ लोग वाहन लगाकर पत्थर लोड कर रहे थे, जिसे देखकर देवेंद्र ने पूछा कि यह किसका पत्थर है और कहाँ ले जा रहे हैं। इतने पर ही वहां पर मौजूद कुछ लोग देवेंद्र के साथ गाली गलौज करते हुए उसकी पिटाई कर दी। देवेंद्र साहू ने बड़ा आरोप लगाते हुए बताया कि बासी निवासी ठाकुर ओगरे ने उसके साथ मारपीट की है। मामले में देवेंद्र कुमार साहू ने ठाकुर ओगरे के खिलाफ थाना में शिकायत दर्ज की है। इसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। बता दें कि देवेंद्र कुमार साहू वर्तमान में भाजपा युवा मोर्चा फिंगेश्वर का उपाध्यक्ष भी है। मैं इस वक्त फिंगेश्वर थाना में मौजूद हूं और जहां आप ग्रामीण को देख रहे हैं यहां पर फिंगेश्वर के एक भाजपा किसान मोर्चा के अध्यक्ष यहां पर मौजूद हैं और साथ ही उनके साथ एक युवक मौजूद है और इनकी उपस्थिति इसलिए है कि जो आप ये युवक देख रहे हैं इसके साथ मारपीट हुई है और मारपीट करने वाले और कोई नहीं, वही अवैध तरीके से पत्थर खदान चलाने वाले माफिया हैं जो इनके साथ मारपीट की गई है, ऐसे युवक ने हमें जानकारी दी है। आइए क्या कुछ घटना इनके साथ हुआ है इन्हीं से जाने। आपका क्या नाम है? मेरा नाम देवेंद्र कुमार साहू है, ग्राम बासिन में रहता हूँ। देवेंद्र, क्या हुआ है, क्यों आए हैं आप थाना? मेरे ऊपर मारपीट किया गया है। अवैध रूप से शासन द्वारा सील किया गया पत्थर था, उसको ठेकेदारों द्वारा चोरी के रूप में माल को इस फैक्ट्री से उस फैक्ट्री ले जा रहा था, तो मैं खेत से वापस आने के टाइम देखा कि माल यहाँ से वहाँ ले जा रहे हैं, तो मैं रुक कर उन लोगों को पूछा कि ठेकेदार लोगों को कौन है वो? नाम ठाकुर ओगरे। हाँ, बताओ। उसको बोला मैं कि ये पत्थर कहाँ ले जा रहे हो करके, तो फिर वो आया और गाली गलौज किए और मेरे को मारपीट भी किया। उसके बाद मैं शासन के पास आया हूँ और पुलिस अधिकारी के पास आया हूँ और मुझे पूरा विश्वास है कि शासन प्रशासन मेरा मदद करेंगे और मुझे न्याय दिलाएंगे और जान से भी मार दूंगा और खदान में दबा दूंगा, ऐसा करके भी बोल रहे हैं। इसके खिलाफ क्या शिकायत की है? FIR की है? हाँ, FIR दर्ज किया हूँ, जो कि रिपोर्ट मेरे पास है और मुझे पूर्ण विश्वास है हमारे शासन प्रशासन के ऊपर जो मुझे पूरा न्याय दिलाएगा जी। इनके साथ ग्रामीण भी मौजूद हैं। आप क्या मौके पर थे, आपका नाम आया है, आपका क्या नाम है? मेरा नाम भागीरथी यादव है। भागीरथी, क्या देखे आप? मैं बस वो आया ओगरे जी और इसको एक झापड़ दिया और गाली गलौज दिया और बोलना कि ये आपकी है क्या जमीन है क्या, इसको बोला। और उसका खदान क्या सील है? हाँ, फैक्ट्री सील है, सील है। हाँ, उसके बाद भी पत्थर निकाल रहा था। हाँ जी, ये वो चट्टान से पर्दा रचा था उसको तोड़ कर उन लोग भर रहे थे मेटा दोनों। अच्छा, हाँ। तो मनीषर जी, आप यहाँ पर पहुँचे हैं, एक युवा आपके संगठन का यह उपाध्यक्ष बताया जा रहा है फिंगेश्वर का, भाजपा युवाओं का, क्या लगता है कि जिस तरह से मारपीट हो रहा है, जिस तरह से अवैध खदान जो सील है उसको खोल कर चलाया जा रहा है, तो आखिरकार इनके खिलाफ क्या कार्रवाई की मांग करते हैं? देखिए, ये तो सीधा सीधा शासन को दबंगई पूर्वक जो शासन ने जैसे सील किया हुआ है भाई, ये शासन का काम था और शासन को चोरी का इल्ज़ाम यहाँ पे शासन को ही कार्रवाई करना चाहिए। जिस तरह से शासन ने उस खदान को सील किया हुआ है, जवाबदारी ग्रामीणों की भी रहती है कि वहाँ कुछ गलत होता है तो उसकी जवाबदारी पूछ परख करके सामने वाले को दें। पूछ परख पे ही इस तरह हमारे कार्यकर्ता के साथ कृत्य करना बहुत ही निंदनीय है, बहुत ही गलत है और यह बहुत बड़ा अपराध है। एक तरह से शासन को भी चूना लगाया जा रहा है, दूसरे तरफ हमारे कार्यकर्ताओं के साथ मारपीट भी किया जा रहा है और जिस किसी भी इसके दोषी हैं उसके ऊपर शासन कड़ी कार्रवाई करे, यह हम मांग करते हैं। आप यहाँ पर आए हैं, क्या कुछ घटना पता चला, क्या चाहते हैं आप लोग? वो मोर लड़का हरे, अब मोला पता नहीं रही से, वो खेत गे रही से, खेत ले आत रही ना, तब वो दे पूछी सो ही कहाँ लेगा तो जी पथरा लकी के, तो ओकर नौकर मन बताइस कथे लेवर मन हो कि ठाकुर राम के पथरा है ऐसे की के।
तो एक जन बता चल दी सोही या तो सुनी सोही तही सोही तो मारपीट हुआ है, इसमें क्या कार्रवाई चाहते हो? कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो सर, तो जैसे अभी शिकायत की हो, अभी तक पुलिस की ओर से क्या कहा है? कुछ नहीं आया है, अभी कुछ नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ है। यहाँ पे तमाम ग्रामीण मौजूद हैं। आपको बता दें, बासिन पत्थर खदान में लगभग 6 ऐसे खदान थे जो बिना कागज के चल रहे थे, बिना दस्तावेज के चल रहे थे। और जब ग्रामीणों ने इसकी शिकायत खनिज विभाग से की तो आनंद फानन में खनिज विभाग पहुंची और वहां पर फैक्ट्री सहित खदानों को सील की गई। ये पूरी तरह से अवैध चल रहा था। जब देवेंद्र वहां पर आज वर्तमान डेट में जब पहुंचा तो देखा कि जिस फैक्ट्री को सील किया गया है वहां से पत्थर निकाला जा रहा था। और जब इस युवक द्वारा पूछा गया कि पत्थर कहां और किस लिए ले जाया जा रहा है, तब वहां पर मौजूद जो फैक्ट्री के जो संचालक हैं, जो लोग हैं, वो इनके साथ मारपीट किए, जिसको लेकर देवेंद्र आज यहां थाना पहुंचे और थाना में लिखित शिकायत किए हैं। अब देखना ये है कि इनके शिकायत पर क्या ऐसे लोगों के खिलाफ किस तरह की बड़ी कार्रवाई किया जाता है। फिलहाल मुझे अनिशेख इमरान और मेरा कैमरामैन लक्ष्मी शंकर को दीजिए इजाजत और देखते रहिए द न्यूज़ नेटवर्क।